गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ज्योति गार्डनिंग टिप्स में ज्योति आपका वेलकम करती है। जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, मैंने आपको पहले वीडियो में कैबेज फ्लावर कैसे आप उसको ग्रो करते हैं, फूल गोभी को, ये बताया था मैंने। देखिए इसमें काफी अच्छी पौध निकल आई है, छोटी छोटी पौध निकल आई है। ये छोटा सा मेरा ग्रो बैग है, इसी में मैं ग्रो करती हूँ। पहले मैं पौध तैयार करती हूँ, फिर जब वो पौध निकल आती है तो उसको फिर बड़े बैग में ट्रांसप्लांट करती हूँ। ये देखिए मैंने इधर बड़े बैग में ट्रांसप्लांट किया है, ये काफी बड़े हो गए, इसमें काफी अच्छे फ्लावर भी आए। देखिए काफी अच्छे फ्लावर आए। आप भी इसी घर पे ही वेजिटेबल ग्रो कीजिए, सब्जियां उगाइए और घर की ताजी फ्रेश सब्जियां खाइए। इनका स्वाद अलग ही होता है, क्योंकि इसमें मैं कीटनाशक दवाओं का स्प्रे नहीं करती हूँ। नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, जैसे कि मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुकी हूँ। नीम ऑयल के स्प्रे से एकदम ही फ्रेश रहती है। इसकी लीफ देखिए आप, इसकी लीफ कितनी शाइनिंग मार रही, कितनी फ्रेश है। देखिए काफी सारे लगाए, बहुत सारे हैं। ये देखिए इधर भी देखिए, ये रहा, ये देखिए एक और लगा हुआ है इधर साइड में। ये इधर पत्ता गोभी देखिए, ये अभी बन रहा है, अभी इसमें तैयार हो रहा है, अभी छोटे छोटे काफी अंदर, अभी इसको थोड़ा एक होने में टाइम लगेगा। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार होने में, ये काफी अच्छा हो रहा है। देखिए आप इन्हें नियमित रूप से पानी दीजिए, वाटरिंग कीजिए। एक लीटर पानी विंटर सीजन में इनके लिए काफी है। आप हर प्लांट में एक एक लीटर पानी यूज कीजिए।